देखिए जहाँ तक गले लगने का सवाल है तो गले तो मोदी जी के राहुल जी पार्लियामेंट में लगे थे जी। गले लगने से प्रेम अपनी पूर्णता को थोड़ी उपलब्ध होता है। अच्छा आचार्य जी, राजनीति में कहते हैं कि खून के रिश्तों की भी कोई वैल्यू नहीं होती, और समय समय पर राजनीति का ये जो कुरूप रंग है हमने भी देखा, आपने भी देखा, इस बात में कोई दोराय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कई बार हमने देखा है, आज भी जब रायबरेली वो गए नामांकन करने के लिए तो प्रियंका गांधी उनके गले लग रही थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियो देखे होंगे उन दोनों के भाई बहनों के प्रेम के। लेकिन वो प्रेम जब प्रियंका गांधी को कुछ देने की बारी आती है तो वो कहाँ चला जाता है, ये भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस को अच्छी तरह से आप जानते हैं। देखिए जहाँ तक गले लगने का सवाल है तो गले तो मोदी जी के राहुल जी पार्लियामेंट में लगे थे जी। गले लगने से प्रेम अपनी पूर्णता को थोड़ी उपलब्ध होता है। आपका नजरिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है? प्रियंका गांधी जब राजनीति में आई तो लाया कौन? राहुल गांधी अध्यक्ष थे 2019 में जब उन्हें पहला टास्क दिया गया। आप देखिए सीक्वेंस देखिएगा, क्रोनोलॉजी देखिएगा, आप जाइए 19 में राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभार दिया जाता है, जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। लोग बहुत खुश होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता खूब खुश होते हैं, हम भी खुश हो, हमने भी ढोल बजाया। लेकिन उन्हें आधा उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, जबकि जब से कांग्रेस का इतिहास है आज तक किसी स्टेट के दो प्रभारी नहीं हुए। प्रियंका गांधी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये सवाल उठा कि भाई ये तो प्रियंका गांधी के कद को छोटा करना है, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत सहनशील है, वो काम करती रही। उसके बाद जब राहुल गांधी जी ने 19 के चुनाव के बाद इस्तीफा दिया तो उन्होंने क्या कहा, अब मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरी बहन भी नहीं बनेगी। भाई आप बहन के बारे में फैसला करने वाले कौन हैं? पहली बात, हमारे यहाँ जब बेटियाँ कुंवारी होती हैं तो उनके बारे में फैसला हम लोग लेते हैं, ये भारत की परंपरा है।